हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5, पोएम 5, उसके क्वेश्चन आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए, पोएम का नाम है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसमें हमने एक ओल्ड लेडी की स्टोरी पढ़ी थी, जिसने एक सेंट पीटर जो थे उनको क्या नहीं दिया था, उन्होंने केक नहीं दिया था, तो उन्होंने भूख के कारण उसको श्राप दे दिया कि वो क्या बन जाए, वुड पिकर बन जाए। देखिए, विच कंट्रीज और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू, मतलब आप क्या सोचते हो कि कौन कौन सी कंट्री या कंट्रीज़ नॉर्थलैंड में आती हैं। द नॉर्थलैंड रिफर्स टू द रीज़न अराउंड द नॉर्थ पोल, मतलब जो नॉर्थलैंड में जो कंट्रीज़ आती हैं, जो नॉर्थ पोल के आसपास होता है उसे नॉर्थलैंड कहते हैं। तो विच इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, जो कि बहुत ठंडी होती है। इट कुड बी एनी कंट्री, अब ये कोई भी कंट्री हो सकती है, जैसे कि लाइक रसिया, कैनेडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे एट्सेट्रा। तो ये कोई भी कंट्री हो सकती है, रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे आदि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, जो सेंट पीटर थे उन्होंने उस बूढ़ी औरत से किस चीज़ के लिए कहा। व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, और जो लेडी थी उसका रिएक्शन क्या था। सेंट पीटर आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ केक, ही वाज हंग्री। तो जो सेंट पीटर थे वो बहुत भूखे थे और उन्होंने उससे कहा था एक केक का टुकड़ा, एक केक देने के लिए। द लेडी डिड नॉट गिव हिम अ केक, जो लेडी थी उसने एक केक नहीं दिया। आउट ऑफ द वंस, उनमें से एक भी केक नहीं दिया, दैट सी हैड बेक्ड, जो वह पहले से बना चुकी थी। इंस्टेड सी बेक्ड अ स्मॉलर वन फॉर हिम, और उसकी वजह उसने एक छोटा सा केक उनके लिए बेक किया या बनाया। हाउ डिड शी पनिश हर, उन्होंने उसको कैसे सजा दी। ही पनिश्ड द सेल्फिश लेडी, स्वार्थी लेडी को उन्होंने पनिश किया, सजा दी। वाई टर्निंग हर इन टू अ वुड पिकर, उसको वुड पिकर वर्ड, उसको एक वुड पिकर पक्षी के रूप में उसको बदल दिया। दैट हैड टू बोर इन टू द ड्राई वुड, जो क्या करती थी, उसको क्या करना पड़ता था, लकड़ी में, सूखी लकड़ी में गड्ढा खोदना पड़ता था ऑल डे, पूरे दिन, टू गेट सम फूड एंड शेल्टर, मतलब कुछ खाना और आसरा पाने के लिए। हाउ डज द वुड पिकर गेट हर फूड, जो वुड पिकर वर्ड होती है वो अपना खाना कैसे प्राप्त करती है। द वुड पिकर गेट्स फूड बाय बोरिंग होल्स इन द वुड, वो अपना खाना लकड़ी में गड्ढे करके प्राप्त करती है। डू यू थिंक द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजनरस इफ सी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वॉज, वॉट वुड सी हैव डन देन। क्या आप सोचते हो कि वो लेडी इतनी अनजनरस यानी कि अनुदार नहीं होती यदि वो जानती कि सेंट पीटर कौन थे, और तब वो क्या करती। इफ़ द ओल्ड लेडी न्यू हु सेंट पीटर वॉज, अगर बूढ़ी औरत जानती कि सेंट पीटर कौन थे, देन शी वुड नॉट हैव बीन अनजनरस, तो वो इतनी अनुदार नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, शी वुड हैव सर्व्ड हिम वेल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ग्रीडी डिज़ायर्स, और वह उनकी जो इच्छाएँ थीं उनको पूरा, अच्छे से पूरा करती और उनकी सेवा करती। नेक्स्ट है, इज दिस अ ट्रू स्टोरी, विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या एक सच्ची कहानी है। इस पोएम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी, यह एक ट्रू स्टोरी नहीं है। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द वुमेन इज टर्नड इन टू अ वुड पिकर वर्ड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जब इस स्टोरी का जो पॉइंट है, जब वुमेन वुड पिकर में टर्न हो जाती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिस इज़ सो, ऐसा इसलिए, बिकॉज, क्योंकि द पनिशमेंट टीच्स एवरी वन द लेसन टू बी जनरस, कि जो सजा होती है वो प्रत्येक व्यक्ति को उदार होना सिखाती है। वॉट इज अ लेजेंड, वाई इज़ द पोएम कॉल्ड अ लेजेंड, लेजेंड क्या होता है और इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है। अ लेजेंड इज़ अ पॉपुलर स्टोरी, एक पॉपुलर स्टोरी मतलब कि प्रसिद्ध स्टोरी फ्रॉम द पास्ट, अतीत से, विच इज़ बिलीव्ड टू बी ट्रू, जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि वो सत्य है, बट कैन नॉट बी वेरीफाइड, पर उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता।
इट कंटेन्स अ मॉरल, यह एक नैतिक गुण कंटेन करती है, विच इज़ नैरेटेड टू द चिल्ड्रन टू टीच दैम मॉरल वैल्यूज, जो बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वो अच्छे गुण नैतिक गुण सीख सकें. राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस. अब जो स्टोरी है, पोएम है, उसको हमें स्टोरी के फॉर्म में लिखना है और उसमें केवल मतलब अबव 10 सेंटेंस होने चाहिए. तो वन डे सेंट पीटर वॉज प्रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड, जो एक दिन संत पीटर क्या थे, वो उपदेश देते हुए घूम रहे थे. एंड रीच्ड द डोर ऑफ अ कॉटेज, और एक कुटिया के दरवाजे पर पहुँचे. वेयर दिस वुमेन लिव्ड, वहाँ पर जो औरत रहती थी, सी वॉज मेकिंग केक्स, वो केक बना रही थी. एंड बेकिंग दैम ऑन अ हर्थ, और उनको सिगड़ी में सेंक रही थी. सेंट पीटर वॉज फैंटिंग विथ हंगर, सेंट पीटर जो थे वो भूख से कुमला रहे थे. मतलब फैंटिंग मतलब होता है दुबला पतला होना, बेहोश होना, लेकिन बेहोश हुए जा रहे थे. ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक, उन्होंने उस लेडी से एक केक का एक टुकड़े देने के लिए कहा. द केक दैट सी वॉज बेकिंग देन अपीयर्ड टू बी टू बिग, जो केक था जो वो बेक करती वो बहुत ही बड़ा दिखाई देता. सो सी डिड नॉट गिव हिम, तो उसने उनको नहीं दिया. एंड इंस्टीड सी बेक्ड अनदर स्मॉलर वन, और उसकी जगह पर उसने एक छोटा केक बनाया. दिस दैट ऑल्सो अपीयर्ड टू बी बिग, सो सी डिड नॉट गिव हिम, और ये भी बड़ा दिखाई दिया तो उसने ये भी नहीं दिया. द सेकेंड टाइम शी बेक्ड येट अनदर स्मॉल केक, और फिर दोबारा उसने छोटा केक बनाया. बट फाउंड इट टू बिग टू गिव अवे, पर यह भी देने में उसे थोड़ा बड़ा लगा. इन द थर्ड अटेम्प्ट सी टुक एन एक्सट्रीमली लिटिल स्कार्फ टू डो एंड रोल्ड इट फ्लैट. अब उसने थर्ड टाइम क्या किया, एक आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको रोल किया और बिल्कुल फ्लैट कर दिया. सी हैड इट एज थिन एज अ वेफर, ये कैसे इतना पतला था जैसे कि वेफर्स होते हैं. वेफर्स आप लोगों ने खाए होंगे ना. बट वॉज अनेबल टू पार्ट विथ दैट ऑल्सो, और इसका कोई पार्ट नहीं था. दिस एंगर्ड सेंट पीटर अलॉट, इस बात ने संत पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया. ही सेड दैट सी वॉज नॉट फिट टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म, कि वो मानव शरीर में रहने लायक नहीं है. एंड एन्जॉय फूड एंड वार्म्थ, और ये मज़े और ये खाना इन्जॉय करने के लायक भी नहीं है. ही कर्ज्ड, उसने उसको श्राप दिया. ही कर्ज्ड हर एंड ट्रांसफॉर्म्ड हर, और उसको बदल दिया इंटू अ वुड पिकर वर्ड, एक वुड पिकर नाम के पक्षी में. हु हैड टू बोर इन हार्ट, जो क्या करता है, गड्ढा खोदता है ड्राई वुड सूखी लकड़ियों में. टू गेट इट्स स्कैंटी फूड, अपना छोटा सा खाना प्राप्त करने के लिए. सी कैन बी सीन इन द ट्रीज ऑल डे बोरिंग बोरिंग फॉर फूड, और वो कैसी, वो हर समय दिखाई देती थी पेड़ों पर पूरा दिन गड्ढा खोदते हुए खाने के लिए. विच कंट्री डज द लेजेंड बिलोंग टू, कौन से देश से ये स्टोरी बिलोंग करती है. द लेजेंड बिलोंग्स टू नॉर्थलैंड, जो कहानी है हमारी नॉर्थलैंड से बिलोंग करती है. हाउ वर द डेज और नाइट्स देयर, वहाँ के दिन और रातें कैसी होती थी. द डेज वर शॉर्ट एंड नाइट्स वर वेरी लॉन्ग, जो दिन थे वो छोटे होते थे और रातें थी बहुत लंबी होती थी. हाउ डिड द पीपल ड्राइव देयर स्लेज व्हेन इट स्नोड, वहाँ के जो लोग थे वो अपनी गाड़ियों को कैसे ड्राइव करते थे जब वहाँ पे बर्फ जमी होती थी. दे ड्रॉप देम विथ द हेल्प ऑफ रेनडियर, मतलब जैसे ऊँट होता है रेगिस्तान में चल सकता है, वैसे रेनडियर होता है जो बर्फ़ में चल सकता है. तो जो अपनी गाड़ियों को कैसे ड्राइव करते थे, रेनडियर की हेल्प से. हाउ डिड द चिल्ड्रन लुक इन द देयर फरी क्लॉथ्स, जो वहाँ के बच्चे होते थे वो फरी क्लॉथ्स में कैसे दिखाई देते थे. They looked like a bear's cubs, वह भालू के जैसे दिखाई देते थे. What does the poetess say about the story? कवि इसके बारे में क्या कहता है, कवि इसके बारे में क्या कहता है कि no, it is not a true story. यह एक true, sorry answer गलत है. देखिए आंसर सुपर नीचे हो गए हैं. ये है सी इज टेलिंग इट बिकॉज इट प्रीचेज अ लेसन, उसने उसको सुना, वह उसको सुना रही है क्योंकि वह एक लेसन सिखाना चाहती है. और इट इज़ अ ट्रू स्टोरी, नो इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी, यह एक ट्रू स्टोरी नहीं है. वेयर डिड सेंट पीटर लिव देन, सेंट पीटर उस टाइम कहाँ रहा करते थे.
ही लिव्ड ऑन द अर्थ बिलो, वो धरती के नीचे रहते थे. व्हाट डिड ही डू व्हाइल ही वॉक्ड अबाउट द अर्थ, जब वो धरती पर चल रहे थे तब वो उन्होंने क्या किया, ही वेंट प्रीचिंग, वो उपदेश देने थे, उन्होंने उपदेश दिए. वेयर डिड सेंट पीटर कम, कहाँ से आए थे, ही केम टू, कहाँ पर आए, ही केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज, कुटिया के दरवाजे पर आए. व्हाट वॉज द लिटिल वुमन डूइंग, सी वॉज बेकिंग केक्स, वो लिटिल वुमन क्या कर रही थी, केक बना रही थी. वाई वॉज सेंट पीटर फेंट, मतलब वो बेहोश क्यों हुए जाए थी, वॉज फेंट विथ फास्टिंग, मतलब उपवास था उनका कई दिन से, इसलिए वो फेंट हुए जा रहे थे. वॉट डिड ही आस्क द वुमन फॉर, उन्होंने उस औरत से क्या कहा, ही आस्क द वुमन टू गिव हिम अ केक, केक देने को कहा. वॉट डिड द वुमन मेक, उस औरत ने क्या बनाया, सी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा केक बनाया. वॉट सीम्ड टू द वुमन, इट सीम्ड टू द वुमन दैट केक वॉज टू बी टू गिव, मतलब औरत को क्या दिखाई दिया, औरत को ये दिखाई दिया कि जो केक है वो देने के लिए बहुत बड़ा है. वॉट डिड सी डू देन, तब उसने क्या किया, सी मेड द केक स्मॉलर देन द फर्स्ट वन, तब उसने क्या किया, पहले वाले से छोटा केक बनाया. हाउ डिड द सेकेंड केक अपीयर हर टू बी, और जो दूसरा केक था उसको कैसा दिखाई दिया, इट सीम्ड टू हर टू बी एज बिग एज द फर्स्ट वन, उसको वह केक भी कैसा दिखाई दिया, पहले वाले जैसा बड़ा. वॉट क्वालिटी ऑफ वुमेन इज प्रेजेंटेड इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में उसकी कौन सा गुण दिखाया गया है, कौन सा गुण दिखाया, सी वॉज अ सेल्फिश लेडी, कि वो एक बहुत ही स्वार्थी महिला थी. डिड सी गिव दिस केक टू सेंट पीटर, क्या उसने सेंट पीटर को केक दिया, नो सी डिड नॉट गिव इट टू सेंट पीटर, उसने वो वाला केक सेंट पीटर को नहीं दिया. वॉट डिड सी थिंक ऑफ हर केक्स, वो अपने केक के बारे में क्या सोचती थी, सी थॉट, उसने सोचा, दैट वैन सी एट हर केक्स, जब वो अपने केक खाती थी, दे अपीयर्ड वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे दिखाई देते थे. बट वैन सी थॉट ऑफ गिविंग वन, जब उसने देने का सोचा टू समवन, किसी को, दे अपीयर्ड वेरी बिग, वो तो वो बहुत बड़े दिखाई दिए. वॉट डिड सी डू विल्स हर वेरी लिटिल केक, उसकी इच्छा क्या थी अपने छोटे केक के बारे में, शी पुट इट ऑन द सेल्फ, कि वो अपने इसको अपने सेल्फ में रखे. Who was the woman to give the cake to? वो औरत, who was the woman to give the, किसको दिया, तो she was to, किसको देना था वो केक, she was to give the cake to Saint Peter, उसको वो केक Saint Peter को देना था. Why did Saint Peter grow angry? Saint Peter गुस्सा क्यों हो गए, he grew angry, गुस्सा हो गया, because he was hungry and faint, क्योंकि वो भूखे भी थे और वो बेहोशी के हालत में भी थे. हु मेड सेंट पीटर एंग्री, किसने उनको गुस्सा दिलाया, द सेल्फिश वुमन मेड हिम एंग्री, जो स्वार्थी महिला थी उसने उनको गुस्सा दिलाया. हु वॉज वेरी सेल्फिश, कौन थी स्वार्थी, कौन स्वार्थी था, तो द वुमन वॉज वेरी सेल्फिश, वो औरत बहुत ज़्यादा स्वार्थी थी. डिड सी डिजर्व टू लिव इन अ ह्यूमन फॉर्म, क्या वो एक मानव शरीर में रहना डिजर्व करती थी, नो शी डिड नॉट डिजर्व टू लिव इन अ ह्यूमन फॉर्म, नहीं वो नहीं करती थी. हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द सेल्फिश वुमन, सेंट पीटर ने उस स्वार्थी महिला को कैसे पनिश किया, ही कर्स्ड हर, उसने उसको श्राप दिया, टू बी चेंज्ड इनटू अ बर्ड, ताकि वो कि वो एक पक्षी में बदल जाए. व्हाट विल सी डू टू गेट हर फूड लाइक अ बर्ड, वो अपना खाना प्राप्त करने के लिए पक्षी के रूप में क्या करती, शी विल कीप बोरिंग ऑल डे, वो पूरे दिन गड्ढा खोदती रहती थी. व्हाट वॉज द वुमन चेंज्ड इनटू, किस में चेंज हो गई, सी वॉज चेंज्ड इनटू अ वुड पिकर, वो एक वुड पिकर में चेंज हो गई. फ्रंट वेयर डिड सी फ्लाई आउट, कहाँ से उड़ी वो, सी फ्लू आउट ऑफ द चिमनी, वो चिमनी में से उड़ी. नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम का नाम क्या है, द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड बाय फॉयविक कैरी. व्हाट वाज द कलर ऑफ द कैप ऑन हर हेड, उसके जो कैप का कलर क्या था जो उसके सिर पे था, इट वाज अ स्कारलेट कैप, वो स्कारलेट कलर की थी. व्हाट हैज़ एवरी स्कूल बॉय सीन, प्रत्येक स्कूल बॉय को क्या दिखाई देता था, एवरी स्कूल बॉय हैज सीन अ वुड पिकर, उसको वो वुड पिकर दिखाई देती थी. व्हाट डज द वुड पिकर डू ऑल डे, वो पूरे दिन क्या करती थी, द वुड पिकर कीप्स बोरिंग द ट्रीज ऑल डे फॉर फूड, वो पेड़ों पर बोर गड्ढा खोदती रहती थी पूरे दिन खाने के लिए. यह हो गए आपके क्वेश्चन आंसर, इसमें कुछ शॉर्ट आंसर्स भी इंक्लूड किए गए हैं और मेन आंसर भी इंक्लूड किए गए हैं. तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का ट्रांसलेशन करेंगे, है ना. तो स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.